Hey guys, welcome to my new vlog. आज vlog start हो रहा है चलते फिरते रोड पे क्योंकि हम जा रहे हैं आज फरीदाबाद की साइड वीडियो शूट पे और उसका नाम है वर्ल्ड स्ट्रीट। बहुत फेमस जगह है फरीदाबाद में, बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह। मैंने वहाँ पे कई सारी वीडियो शूट किया, रील्स। आज वहीं पे जा रहे हैं। ये दो आ रहे हैं पीछे, पीछे नहीं है कि मेरा दोस्त आ रहा है, इसी बाकी जाएंगे गाइस। और पीछे वो सागर भाई आ रहे हैं और अभी निकलते हैं सीधा फरीदाबाद के लिए। यहाँ से काफ़ी दूर है यार, पेट्रोल वेट्रोल नहीं था यार, पेट्रोल वेट्रोल डलवा लिए और सीधा निकलते हैं। लोकेशन आपको एक जैसी लग रही होगी गाइस, लेकिन ये अगला दिन है, दूसरी व्लॉग है। ये देखो इसने बाल बाल कटवा लिया, बाइक वही है लेकिन हम भी वही है। ये देखो सही से डाल, इस बार गिरा भी दिया, किस्मत में जो होता है तो वो नहीं हो जाता है। चलो गाइस आज देखते हैं पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। सो गाइस अभी हम यहाँ पर रुक रखे हैं, रास्ता अभी दूर है गाइस। ये देखो गाइस, देखो ये है बिल्डिंग है यहाँ की, हम जा रहे हैं अभी व्हाइट हाउस। ये हमारा विवेक चला रहा गाइस, कैसे चला गाइस, रोड देख रहे हो गाइस कितनी चौड़ी चौड़ी है, इधर बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। बड़ा मस्त एरिया है गाइस, यहाँ पे जाने में भी ना तो बड़ा, मतलब यहाँ पे जाने में भी ना बहुत खुशी मिलती है। तो अभी अभी यहाँ से काफी दूर है तो अभी हम चल रहे हैं, अभी आपको सीधा वर्ल्ड स्ट्रीट दिखाऊंगा। और जहाँ जहाँ शूट करते थे ना अभी, तो वो भी वाली लोकेशन भी दिखाऊंगा, एकदम मस्त है गाइस। ये देखो ये सब फ्लैट एरिया है, बहुत बहुत सारे चौड़े यहाँ पे भी आपको मेरी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे मैंने बनाई है, बड़ा मस्त लोकेशन है गाइस। स्मार्ट बनने की साजिश हो रही है यहाँ। सो यार हम पहुंच गए वर्ल्ड स्ट्रीट, बड़ा मस्त है, अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो गाइस ये हमारी शूट की लोकेशन थी। अभी गया था यार बाथरूम, थोड़ा मुंह गंदा हो गया था, धूल उल चिपक गई थी ना, तो उसको धो के आए। ये देखो चश्मा लगा रखा है, तो चश्मा मेरे को बताना यार कमेंट में, तो आपको कमेंट तो आपका आया नहीं यार कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं, बट अभी 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 गाइस ऐसा लग रहा है। और गाइस ये फुहारा है यहाँ का और सामने से कुछ ऐसा लगता है, ये वर्ल्ड स्ट्रीट नाम है इसका। वो देखो टेलीफोन बूथ पर आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होगी, मैंने वहाँ पर बनाई है, तो आप जाकर देख सकते हो। इंस्टाग्राम का देखो ये यूज़र नेम ये रहा, इस पे जाके इसको सर्च करो इंस्टाग्राम पे और जाके देखो और बताओ कैसा लगा। और यहाँ का मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक आईफिल टावर भी है गाइस। और एक लोकेशन हमारी वो थी, वो दोनों के बीच में वो जो गैप है ना, ये एक नंबर लोकेशन है गाइस। अभी आईफिल टावर उधर है, आईफिल टावर जैसा ही है, छोटा सा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा उधर जाके कैसा है कैसा नहीं है। लाइक करो, फॉलो करो, कह रहे थे कि मुझे भी ले लो वीडियो में। ये की ये लोकेशन थी गाइस, यहाँ पे आपने यहाँ पे हम शूट करते थे और सागर भाई भी आए हैं। अभी हम शूट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ का पूरा वाइट ही वाइट है गाइस, इसलिए मेरे ख्याल से उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है, एकदम मस्त है। और यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोर है, इसके अंदर आपको कपड़े वपड़े और खाने पीने के सारे सामान मिलेंगे और एकदम मस्त है गाइस। घर में बहुत है गाइस, देख रहे हो पसीना इतना करते हैं यार आपके लिए, यार लाइक कर दिया करो यार। ये देखो ये टेलीफोन बूथ, यहाँ पे फोटो शूट होती है, वीडियो शूट होती है, आज भीड़ नहीं है गाइस, अभी गर्मी ज़्यादा है ना, तो जैसे जैसे शाम होगी वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगेगी गाइस। पिछली बार हम आए थे ना 15 अगस्त पे गाइस, तो ये पूरा एरिया एकदम मस्त सजा रखा था तिरंगे से, एकदम मस्त था गाइस। यहाँ पे लोग आके, यहाँ पे लोंडे वोंडे आके खूब गाड़ियाँ ऐसे ऐसे घुमा रहे थे गोल गोल, बड़ा मस्त लग रहा था, गाना वाना बज रहा था। और यहाँ की एक लोकेशन यहाँ पे भी फोटो शूट होती है, आई लव वर्ल्ड स्ट्रीट, यहाँ पे भी फोटो शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं गाइस यहाँ पे। और ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मेरे सागर भाई और विवेक। और अभी एक चीज़ और है गाइस यहाँ का, बड़ा मस्त है गाइस, वो है आईफिल टावर। यहाँ तो नहीं होगा ऑफ कोर्स यार, बट उसका जैसा ही है यहाँ पे छोटे तौर पर, मैं आपको दिखाऊँगा वो अभी कैसा है। ओके, कौन सा सेक्टर में पड़ता है भैया ये? हैं सेक्टर 88। अच्छा, क्या नाम है इसका? व्हाइट हाउस बोलते हैं इसको भैया, ये डब्ल्यू आकार का व्हाइट हाउस। वैसे ये किस लिए फेमस है इतना? ये भाई घूमने के लिए, यहाँ पे वीडियो वीडियो बनाने आते होंगे सर। हैं, और यहाँ पे ये सब स्टोर है, यहाँ पे सामान वामान मिलते हैं सर? हाँ, एक तरह की मार्केट है ये। है ये कब बना था, ये कितने साल हो गए? 8-9 साल गाइस पहले बना था, आज 8-9 साल पहले गाइस ये बना था। और अभी बन रहा है क्या ये? मैंने देख रहा हूँ इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये सब अभी काम चल रहा है। आपका नाम क्या है? नाम राजू।
राधे, यहाँ पे काम करते हो आप? हाँ, काम। चलो थैंक यू भैया, आपने इतना सब बताया। गाइस यहाँ पे हम एक चीज ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रही है। गाइस इधर है गाइस, मैं आपसे बोला था ना यहाँ पे छोटा आईफिल टावर है वाला। गाइस वो है कहाँ? गाइस वो है कहाँ? है कहाँ? है कहाँ? उनको तो दिख ही नहीं रहा गाइस। गाइस हम रास्ता ही भूल गए, किधर क्या है किधर नहीं है। ये देखो गाइस कितनी मस्त लोकेशन है गाइस। अभी धूप थोड़ी कम हो रही है, यहाँ पे पीने का पानी है। ये हमारे विवेक भाई अभी जो प्लेस ढूंढ रहे हैं गाइस हम, वो अभी मिला नहीं हमें, भूल गए गाइस कहाँ है कहाँ नहीं है। ये गाइस ये देखो, ये बच्चों के लिए यहाँ पे झूले भी बना के रखे हैं मस्त, हर चीज़ की सुविधा। ये देखो गाइस, देखे गाइस गाइस, ये देखो गाइस बिल्डिंग। क्या फायदे जब 22 में आम आदमी ना बैठ पाए? आम आदमी ना बैठ पाए मतलब हम ना बैठ पाए। गाइस यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं, अभी चालू नहीं है गाइस, शाम होगी तो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये बच्चों के लिए झूले भी लगा के रखे हैं यहाँ पे, एकदम साफ सुथरा है, नो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फ्री एरिया है गाइस, ये मस्त है गाइस। एक ये चेक करो गाइस, यहाँ पे एक वीडियो शूट के लिए एकदम मस्त लोकेशन है गाइस। यहाँ पे मैं एक वीडियो शूट करूंगा गाइस, ये बताओ कैसा लग रहा है? गाइस ये लोकेशन देखता नहीं है, फोटो शूट के लिए ऐसे पोज वोज देने लगता है। मस्त है गाइस, देख रहे हो ये फोटो शूट के लिए मेरे ख्याल से बनाया गया है विवेक। चश्मा नहीं गाइस, यहाँ से एकदम फोटो खिंचवा रहा हूँ। ढूंढ रहे थे कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, फाइनली यहीं पे था। वो देखो प्लेटफॉर्म सा बन रखा है, वहाँ से हटा दिया है इसको, पता नहीं क्यों हटा दिया है। मेरे ख्याल से टूट गया होगा या फिर उस पर बंदे चढ़ वढ़ के फोटो वोटो खिंचवाते थे ना, इस वजह से हटा दिया है शायद। ये तो मस्त था गाइस, ये देखो यहाँ पे वो था गाइस। यहाँ का एक फुल व्यू चेक करो आप, कुछ ऐसा है गाइस, ये देखो है ना मस्त। कमेंट करके बताना कैसा है, ठीक है। और ये प्लेस गाइस लंदन पेरिस कहीं नहीं है, ये हरियाणा का फरीदाबाद में 88 सेक्टर, भैया ने बताया था मेरे को, भैया से बातचीत हुई थी, 88 सेक्टर में गाइस। तो जो भाई फरीदाबाद में रहता है, हाईली रिकमेंडेड दिस प्लेस, आओ घूमो और यहाँ पे वीडियो शूट करो। वैसे भी आप आओगे ना तो यार बोलो कि हाँ भाई जगह है, एकदम मस्त जगह है गाइस, आओ यहाँ पे घूमो और देखो सब कैसा है। हमको तो बहुत मस्त लगता है यार, यहाँ पे वीडियो भी शूट हो जाती है, फोटो शूट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और माइंड एकदम मस्त हो जाता है, एकदम मस्त एरिया है गाइस। और यहाँ पे जब त्यौहार होता है ना गाइस, तो यहाँ पे भी सजावटें वजावटें होती है। हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, हम एक बार आए थे 15 अगस्त को, तो पूरा एकदम मस्त सिस्टम था। पानी गए थे कपड़े कपड़े सब हमारे, हाँ तो एकदम मस्त था गाइस। अगर कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, दिवाली होली जैसे, उस दिन यहाँ पे आओ, उस दिन यहाँ का अलग ही इन्वायरमेंट होता है, एकदम मस्त। तो मेरी तरफ से तो मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है ये प्लेस, तो आओ घूमो और इन्जॉय करो, ठीक है। जो फरीदाबाद में रहता है 88 सेक्टर के पास जो रहता है वो, ठीक है। सो गाइस कैसे लगे आपको सिनेमैटिक यार, जरूर बताना, हर वीडियो में पूछता हूँ यार, बताते नहीं हो, बताना कैसा लगा, क्योंकि यार ये ऐसे ऐसे प्लेस है यहाँ के सिनेमैटिक ही अच्छे लगते हैं, इसके बारे में यार ना मैं जानता हूँ और ना ही यहाँ पे यार कोई गार्ड वार्ड इतना बात करता है, जितना पता था उस गार्ड को मैंने बता उसने आपको बता दिया, बस सिनेमैटिक देख के ही आपको पूरा यहाँ का व्यू का अंदाज़ा मिल जाएगा। मस्त है गाइस, देखो देख रहे हो गाइस, लव एट वर्ल्ड स्ट्रीट। ये देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे फोटो शूट के लिए यहाँ पे जगह जगह ऐसे ऐसे पोर्शन बना रखे हैं, एक वो रहा एक ये रहा, मस्त है। और इधर कुछ बैठने के लिए है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे फोटो शूट होते हैं। वहाँ पे एक ब्रीड आई है, मतलब ब्रीड बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक फ़ोटो शूट के लिए, देखो फोटो शूट के लिए एक दुल्हन सी आई है, अपना फ़ोटो शूट करवा रही है, वेडिंग शूट होगा शायद, ये सब करवा रहे हैं। ये देखो ये सब स्टॉल है, कैसा लगा तुझे आके यहाँ? बहुत बढ़िया, मस्त लग रहा है, मज़ा आ गया, थोड़ा बहुत तेज पूजा करने से मज़ा। किसके साथ आया गाइस? ये मेरे साथ ही आता और किसी के साथ नहीं आता, क्योंकि ये गरीब है गाइस, एक रुपये इसके पेटीएम में डाल दो गाइस, पेटीएम में चला दो क्या, एक रुपये पेटीएम में डाल दो गाइस इसके। ये देखो ये पूरा एकदम मस्त है गाइस, ये यहाँ पे सूट वूट हो रहा है,
हम भी जैसे सूट कर रहे हैं वैसे पीछे भी सूट हो रहा है, लेकिन वो प्रोफेशनल सूट हो रहा है। किसी की शादी होगी, वो दुल्हन आई है यहाँ पे सूट करवाने के लिए, ऐसा ही कुछ है, या फिर कोई लहंगा पहन के उस लहंगे का प्रमोशन वमोशन हो रहा होगा, आई डोंट नो गाइस, मैंने अंदाज़ा लगाया है। बट यहाँ पर मस्त है गाइस, अभी शाम होने वाली है, भीड़ यहाँ पर लगेगी एकदम मस्त। भाई काम करते हो यहाँ भाई, सब्सक्राइब करने के लिए कह दो, सब्सक्राइब कर दो, बोलो तेज से बोल दो, बोलो भाई को सब्सक्राइब करो, भाई को सब्सक्राइब कर दो, हाँ थैंक यू भाई। देखो भाई उन्होंने यार बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए, आप सब्सक्राइब करते नहीं यार, करो यार जल्दी करके, सीधा आप घर के लिए निकलते हैं यार, लेट हो गए काफ़ी। गाइस एक एरिया है और एक हमारे इधर का एरिया है गाइस, एकदम खड्डे पट्टे। देखो हम उधर से आ रहे थे तो ये रोड नहीं बना था, बन रहा था, अब देखो बन भी गया और फिर हम चल भी रहे हैं। ये देखो गाइस, ये सब फ्लैट है तुम्हारा भाई, इसके अंदर से फ्लैट बुक करवाने जा रहा है अभी, जब तैयार हो जाएगा तो एक फ्लैट लूंगा यार, टूटा बोला भाई, बस उस लेवल तक पहुँचा दो यार, मैं पहुँचा रहा हूँ। आप पहुँच गए सागर भाई के घर पे, और सागर भाई पहुँच गए, ये रहा सागर भाई का घर, सही समय सागर भाई जा रहे हैं, हमारा थोड़ा आगे है तो आगे चलेंगे, ठीक है। सो फाइनली यार घर पर पहुंच गया, अभी जस्ट पहुंचा, पहुंचने के बाद यार भूख लगी थी बहुत तेज, तो खाना वाना खाया। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही, फरीदाबाद का ये वाला प्लेस आपको कैसा लगा यार जरूर बताना, आज के लिए बस इतना ही, अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल बने हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।